नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइज, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ LG कंपनी की 11 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सो गाइज, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्राइस रेंज की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम इस वॉशिंग मशीन को करीब से देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये आप फ्रंट लुक देख रहे हैं LG की 11 kg की वॉशिंग मशीन का, जो ब्लैक इसका कलर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रीमियम कलर है। एंड जो ये वॉशिंग मशीन की जो बिल्ड इन क्वालिटी है वो है हार्ड प्लास्टिक से ये बनी हुई है। एंड फिर हम देखते हैं कंट्रोल पैनल को नजदीक से। सबसे पहले आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा 5 ईयर्स वारंटी। वॉश मोटर, जो वॉशिंग मोटर की जो वारंटी है वो 5 साल की होगी। ऑल ओवर वॉशिंग मशीन की जो वारंटी है वो 2 साल की रहेगी। एंड उसके बाद ऑप्शन आता है वॉश सेलेक्टर का। आपको अलग से बाल्टी लेकर पानी डालने की जरूरत नहीं है। आप इस ऑप्शन के अंदर जो ऑटोमेटिक पाइप को फिक्स करें और फिर अगर आप इसको स्पिन की तरफ करेंगे तो जो ड्रायर की साइड है उसके अंदर पानी चला जाएगा, और वॉशर की तरफ करेंगे तो वॉशर की साइड पानी है वो चला जाएगा। एंड उसके बाद ऑप्शन है शॉक एंड वॉश टाइमर का। जो 0 से लेकर 15 मिनट का टाइमर है वो तो नॉर्मल टाइमर रहेगा। 15 मिनट तक वॉशर का जो रोटेशन है वो चलता रहेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं 15 से लेकर 40 के बीच में कहीं भी, तो उसके अंदर साथ में शॉकिंग टाइमर वो ऑन हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट जो वॉशर है वो चलता है, एंड जो 30 से 40 सेकंड जो वॉशर है वो बंद रहता है। सो ये जो ये रेगुलेशन ऐसे चलता रहेगा, फिर जैसे ही 15 मिनट के पास आ जाएगा उसके बाद में जो 15 से लेकर 0 तक है वो वापस से जो वॉशर है वो नॉर्मल वर्क करने लग जाएगा। सो गाइस, ये होता है शॉक एंड वॉश टाइमर का पूरा प्रोसेस। अगर आपको पूरी वॉशिंग मशीन का कपड़े कैसे वॉश करने हैं, कौन सी चीज कैसे काम करेगी, अगर आपको पूरा उसका डेमो देखना है, पूरी वॉशिंग मशीन का डेमो देखना है, तो जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो उसके अंदर आप जो वॉशिंग मशीन का शुरू से लेकर लास्ट तक का जो डेमो है, कपड़े कैसे वॉश करने हैं उसको लेकर, वो आप उस वीडियो पर देख सकते हैं। एंड फिर ऑप्शन मिलता है वॉश सेलेक्टर का। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा जेंटल का। इसके अंदर अगर कपड़े बहुत ही कम मैले हो या फिर बहुत ही नाजुक कपड़े हो, नाजुक तरह का स्टफ हो कपड़ों का, तो आप उसको जेंटल में वॉश करें। एंड फिर है नॉर्मल वॉश, जैसे जींस टी शर्ट, जैसे नॉर्मल रोजमर्रा कपड़े, आप इसको नॉर्मल वॉश पर आप वॉश कर सकते हैं। एंड देन आ जाता है स्ट्रॉन्ग वॉश का। आप इसको कंबल वगैरह के लिए या चादर वगैरह के लिए या फिर पर्दों के लिए यूज कर सकते हैं। जो कपड़े थोड़े ज्यादा मैले हो जाते हैं एंड जिन कपड़ों को आप थोड़े टाइम के बाद वॉश करते हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग वॉश पर वॉश करें। एंड फिर है ड्रेन सेलेक्टर का ऑप्शन। अगर आपको वॉश एंड ड्रेन पर रखेंगे तो जो पानी है वो अंदर ही रहेगा वॉशर के टब के अंदर। अगर आप इसको ड्रेन पर ऑप्शन ले जाएंगे तो जो वॉशर का पानी है अंदर वाला वो सारा बाहर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये आपको तभी करना है कि जैसे आपके कपड़े वॉश हो गए हैं एंड जो पानी बचा हुआ वो गंदा पानी है, तो आप इसको ड्रेन पर कर दें एंड जो पाइप है वॉशिंग मशीन की उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, तो जो जितना भी वॉशर का पानी है वो सारे का सारा बाहर निकल जाएगा। एंड फिर उसके बाद ऑप्शन है स्पिन टाइमर का। ये टाइमर 0 से लेकर 5 मिनट तक जाता है। सो इससे जो ऑप्शन है वो ड्रायर का एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा, अगर आपको कपड़े आपके वॉश हो गए हैं, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं, तो आप इस स्पिन टाइमर को ऑन करें। एंड फिर LG ने यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग की है, नीचे लिखा हुआ है बजर। इसके अंदर आपको बजर मिल जाएगा। जैसे जो वॉशर का टाइमर रहता है वो लास्ट 1 मिनट या 30 सेकंड तक पहुंचता है, वैसे बजर है वो ऑन हो जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों का राउंड डाला हुआ है वो खत्म होने वाला है। एंड रोलर जेट की ब्रांडिंग की गई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वॉशर है उसके अंदर नीचे रोलर्स भी लगे हुए हैं, और ये 11 केजी की LG की वॉशिंग मशीन है। सो ये कुछ ऊपर से लुक आप देख रहे हैं दोनों ही टब्स का। सो सबसे पहले हम देखते हैं वॉशर का टब। जैसे कि रोलर जेट की ब्रांडिंग की गई है, ये जो बिल्कुल जस्ट नीचे है ये इसके अंदर रोलर्स है, ये कपड़े को इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं एंड अच्छे से कपड़े की गंदगी साफ करने में भी मदद करते हैं। एंड ये राइट साइड में आपको एक बहुत ही मॉडर्न तरीके की जो नेट है, जो जाली है, जो कपड़े के फालतू रेशे होते हैं उसको साफ करने के लिए ये काम आती है। आप इसको प्रेस कर ओपन करें एंड जो जितने भी हफ्ते के अंदर जितने भी रेशे हैं कपड़े वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे आप, और आप इसको हफ्ते के बाद में साफ कर दें। एंड इस 11 केजी की वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही बड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप बड़ी से बड़ी चीज वॉश कर सकते हैं, डबल बेड के कंबल तक भी आप इसके अंदर वॉश इजीली कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो, एक साथ आपको बहुत सारे कपड़े वॉश करने हो, तो मैं आपको ये वॉशिंग मशीन जरूर रिकमेंड करूंगा। आप इसके अंदर एक साथ बहुत सारे कपड़े वॉश कर सकते हैं। एंड फिर ये है ड्रायर का कवर एंड उसका सेफ्टी कवर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से पानी एंटर होता है ड्रायर के अंदर। अगर आप डायरेक्ट वॉशर से कपड़े ड्रायर के अंदर डाल देते हैं और उनके अंदर अभी भी झाग मौजूद है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से साफ पानी डालिए और उसके साथ जो गंदा पानी है वो सारा साथ बाहर निकल जाएगा। एंड इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कंपनी की तरफ से कुछ एसेसरीज भी मिल रही है और ड्रायर का स्पेस भी अच्छा खासा स्पेस है। सो इसके अंदर आप काफी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर कपड़े हैं वो ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड आपको दिया गया है स्टार रेटिंग का स्टिकर, और इसके अंदर हमें 5 स्टार की जो स्टार रेटिंग है वो मिल जाएगी। उसी वजह से जो 0.0113 किलोवाट और पर केजी का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा। अप्लाइंसेस है वो है वॉशिंग मशीन, ब्रांड है LG, मॉडल एंड ईयर है,
P11155SK AZ2022। टाइप है सेमी ऑटोमेटिक, लोड कैपेसिटी 11 केजी की एंड वाटर कंजप्शन है 14.75 लीटर का। सो जो काफी सारी वॉशिंग मशीन होती है वो मूवेबल होती हैं, नीचे से उसके अंदर टायर लगे होते हैं, आप उसको इजीली यहां से वहां मूव कर सकते हैं। सो इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको टायर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप कोई भी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले तो कुछ मॉडल्स के अंदर टायर मिलते हैं, कुछ मॉडल्स के अंदर टायर नहीं मिलते, सो ये चीज आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए। एंड ये है वॉशिंग मशीन की बैक साइड जो पूरी की पूरी पैक की गई है हार्ड प्लास्टिक से, सो इसके अंदर रैट वगैरह जाने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। सो होप दोस्तों जो आपको प्रोडक्ट का रिव्यू है, जो प्रोडक्ट की वॉक अराउंड है, वो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यार अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्राइस रेंज के बारे में। तो जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज रहेगी वो रहेगी 17,000 से 18,000 रुपये के बीच में। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर आपको यही प्रोडक्ट इससे महंगे में मिल रहा हो तो आपने इसको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। अगर आपको ये प्रोडक्ट इससे सस्ते में भी मिल रहा हो तो आप उसको एज ए ऑफर भी परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कैसे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। या फिर आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, होप आपको जो ये प्रोडक्ट का वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और बिग अनबॉक्सिंग पर अपना यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।